मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 44वां वचन, इसमें हम पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसे खेत को मोल ले लिया। इधर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य के अगले भेद को एक दृष्टांत के द्वारा सिखाते हुए हम देख सकते हैं। स्वर्ग राज्य उस खेत में छिपे हुए उस धन के समान है। ध्यान रखें, ये धन को सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया। क्यों ऐसे नहीं किया? कारण परमेश्वर का आदत लोगों के सामने कुछ चीज दिखाकर आकर्षित कर उनको प्रलोभित कर अपनी ओर खींचने का परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। यह धन एक ऐसा चीज है जो इतना बहुमूल्य है उसके कीमत में और उस वस्तु वो धातु साधारण नहीं है। अगर वो एक साधारण सा धन होता, साधारण सा चीज होता, तो हम उसे धन ना कहते। हिंदी में धन कहा गया लेकिन मूल में देखे तो खजाना है। जब एक वस्तु को हम खजाना कहते हैं तो बाकी चीजों से बहुत भिन्न है। इसी प्रकार स्वर्ग राज्य इस खजाने के समान है, क्योंकि खजाना इतनी आसानी से मिलता नहीं है। हम पैसा कमा सकते हैं, चंगाई मिल सकता है, बाकी संसार के धन संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य को पाना है तो भारी कीमत देना है। उसके लिए सबसे पहले एक व्यक्ति की दृष्टि खुलनी है जिससे वो समझ सके कि स्वर्ग राज्य कितना बहुमूल्य है। अगर हम सच में इस दिव्य खजाने को तलाशते हैं तो पवित्र आत्मा सच में हमारी आत्मिक आंखें खोलने के लिए तैयार है, ताकि इस छिपे हुए खजाने को हम पहचान सके। इधर हम देखते हैं, जब इस व्यक्ति ने इस खजाने को पाया तो उसने उसे छुपाया। क्यों? छुपाने के पीछे का कारण क्या है? ध्यान से इस बात को ध्यान दें, अगर दुनिया के हिसाब से अगर ये एक धन होता तब लोगों ने उसको सराहना था, उसको चाहने के लिए प्रयास करना था और इसे इस व्यक्ति को उतना छिपाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि दूसरों के सामने दिखा सकता था। लेकिन यह खजाना दुनिया के हिसाब के अनुसार का खजाना नहीं है, इसलिए यह व्यक्ति उसे छुपाता है क्योंकि लोग उसे कभी भी इसके लिए प्रशंसा नहीं करेंगे। लोग इसका मजाक ही उठाएंगे। इसी प्रकार है स्वर्ग राज्य भी। परमेश्वर का वचन कहता है, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन जो उद्धार पाए उनके लिए वो सामर्थ है। अगर संसार के लिए क्रूस मूर्खता है तो उस स्वर्ग राज्य के खजाने को कैसे समझ पाएंगे? जब एक व्यक्ति ने उसकी कीमत को पहचाना तब उसका दिल आनंद से भर जाता है और वो अपने मन में कुछ दृढ़ फैसले लेकर आता है। और वो फैसला क्या है? वो अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लेता है। प्रभु यीशु ने कितना खूबसूरत एक दृष्टांत कहा है, जब वो व्यक्ति ने उस खेत को मोल लिया सारे संसार के सामने, तो लोगों के लिए तो सबसे बड़ी मूर्ख एक निर्णय है, क्योंकि छोटे से एक खेत के लिए तूने सारा कुछ बेच डाला। दुनिया ऐसे ही संतों को शुरू से ही देखती है। जरा मूसा को देखें, मिस्र का सिंहासन, महल का जिंदगी, सुख और आराम सब उसने त्यागा ताकि चुने हुए लोगों के साथ एक हो जाए। जो गुलाम थे, पढ़े लिखे नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है, ईंट बनाते हैं, उसके खुद के भाइयों ने उसके फैसले को सराहा नहीं होगा। लेकिन मूसा की नजर में वो एक खजाना है जो उसकी सोच के सपनों से भी परे है। वो कभी सोच नहीं सकता था कि दो अवसरों पर 40 दिन
वो परमेश्वर के साथ दोस्त के तौर पर बात करने का मौका मिलेगा। इधर प्रभु यीशु भीड़ से कहते हैं, ये ना सोचिए कि स्वर्ग का राज्य चंगाई, खाना और तसल्ली है। ये तो सारी दुनिया को प्रभु मुफ्त में देता है, लेकिन असली खजाना कीमत देने से ही प्राप्त होता है, और वो खजाना संसार के सारे धन दौलत से बढ़कर है। परमेश्वर का वचन हमें ये तसल्ली देता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पर धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में वो आनंद है। और ये सब बातें बहुत कीमत की है उनके लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं और जिनका उससे संबंध है। जो लोगों ने चंगाई पाई, जिन्होंने रोटी खाया प्रभु के साथ, प्रभु से मछलियां भी खाई, प्रभु के अजीब कामों को भी अनुभव किया, लेकिन जब प्रभु क्रूस पर थे वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन जिनकी आंखें खुली थी, पवित्र आत्मा ने जिनकी आंखें खुली थी उन्हें तैयार किया ताकि वो भारी कीमत देने को तैयार हो जाए। वो अपने जीवन में सताओं को सहने के लिए तैयार हो गए, छुटकारा भी नहीं चाहा। पहले शताब्दी की कलीसिया जो सताओं में से गई वो इस दृष्टांत को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन आजकल बहुत से लोग आशीषों के पीछे पड़े हैं। कैसे ना कैसे प्रार्थना के द्वारा संसारिक धन दौलत पाया जाए, उन्होंने कभी भी स्वर्गराज के उस खजाने को पहचाना नहीं है जो कि कीमत देने से मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर का राज्य का वारिस होना है तो कीमत देना है। आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हमारी आंखें खुली हैं कि हम स्वर्ग के इस खजाने को पहचान सकें? क्या उसके लिए कीमत देने के लिए हम तैयार हैं? चाहे कुछ भी देना पड़े, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं? दुनिया हमें मूर्ख कहेगी, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के उस कीमत को समझें और उसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए मसीह के प्रेम से हम विवश हो जाए, प्रभु उसके लिए हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। बाप, आपके वचन के द्वारा आप स्वर्ग राज्य की गहरी बातों को आप प्रकट कर दे रहे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारी आंखों को आपने खोला ताकि हम इस खजाने को समझ पाए। प्रभु, ये आपके अनुग्रह के कारण हुआ है। प्रभु, विनती करते हैं इन दिनों में, प्रभु कितना भी कीमत देना पड़े तो भी इस कीमत को देते हुए आनंद के साथ आपके प्रेम से विवश होकर आपके पीछे चलने के लिए हमें मदद कर। दिए हुए सौभाग्य के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया के सामने बेशक हमें दुनिया मूर्ख कहे, लेकिन हमें मालूम है कि हमें मिला हुआ खजाना हमारा सौभाग्य है। आइए कुछ भी कीमत देना पड़े इस खजाने को हाथ से ना खोए। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।